ये सब जब भवानी आंटी के साथ हुआ तो सब चुप थे, सब उन्हीं को ब्लेम कर रहे थे, और जब मेरे साथ हो रहा है तो सब सिंपति दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक औरत है। आप सबको हो क्या गया है? आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा कि रिश्ते को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे नहीं डाल सकते? सिर्फ अगर शादी सही चल रही है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे डाल दो, अगर डिवोर्स हो रहा है तो उसका दोष भी औरत पे डाल दो। क्यों? दो लोगों की होती है ना शादी, अकेली की तो की नहीं उन्होंने। कितने हिपोक्रेट है यार आप लोग। पर बस अब बहुत हो गया, बहुत दिनों से देख रहा हूं, पर अब ये सोचना बदलनी होगी और चेंज यहीं से आएगा। जैसे शादी दो लोगों की होती है ना, वैसे डिवोर्स भी दो लोगों का ही होता है, किसी एक का अकेले का नहीं होता। और ये गलत है कि हम डिवोर्स का सारा दोष एक औरत पर डाल देते हैं और आदमी को फ्री कर दिया, वो एंजॉय कर रहा है। अपनी कमजोरी, अपनी नाकामयाबी का दोष एक औरत पर डालना, सारा ब्लेम उस पर डालना, वो भी गलत है। और मैं अब ये सब चुपचाप नहीं देखने वाला मां। तुम ये क्या कर रहे हो? ये मत आंटी। नहीं, अब आप और मैं तो एक है, तो रहने दीजिए। नहीं, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है मेरा, ये मत करो। देखो यहाँ पे जो भी है ना वो तुम्हारी बात समझ गया। ये मत करो, मत करो। बीती बातें याद करके खुद को तकलीफ मत दो, क्योंकि दर्द सिर्फ औरतों को नहीं होता, नेक दिल मर्दों को भी होता है, तुम जैसे लड़कों को भी होता है। मैं जानती हूं उनका भी दिल दुखता है। तुम ये मत करो, मेरे लिए खुद को दुखी मत करो। इससे अच्छा मैं यहां से चली जाती हूं। रुको, सबने कह लिया जो कहना था, अब मेरी बारी। भवानी जी, आप तलाकशुदा हैं और ये सच है, लेकिन इस बात का किसी ने मजाक बनाने की कोशिश की, वो भी मेरे घर में मेरे नाक के नीचे। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। जिसने भी ये किया है उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं।